नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लगाएंगे स्क्रू गेज के सवाल, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्रू गेज के सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं खास तौर से, उन्हीं को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, स्क्रू गेज के देखिए, ये जो चीज हम लोगों ने स्क्रू गेज में पढ़ी है उसके लिए जरा एक नोट लिखिए, बार बार सवालों में यूज होगा वो शब्द, तो आपको लगेगा कि यार ये तो चीज थी ही नहीं कहीं, ये तो हमने स्क्रू गेज वाले लेक्चर में पढ़ाई है, तो उस चीज को नोट कर लीजिए जरा। जैसे जब आप स्क्रू गेज बना रहे थे तो आपने उसमें एक सर्कुलर स्केल बनाई थी ऐसे, ठीक, और एक क्या बनाई थी, लीनियर स्केल, ठीक, इसको ऐसे बना रखी थी, यही तो था पूरा मामला। तो इस स्केल का जो नाम है वो क्वेश्चंस में बार बार आपसे कहा जाएगा कि ये हम लोग क्या जानते हैं इसको, इस चीज को हम लोग क्या जानते हैं, लीनियर स्केल, क्या जानते हैं, लीनियर स्केल। इसी चीज को बोला जाएगा मेन स्केल, इसी को बोला जाएगा पिच स्केल, पिच स्केल। तो आप ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा कि यार पिच स्केल क्या है, हम तो लीनियर स्केल जानते थे, ये तो नया चीज आ गया, ऐसा कोई बात नहीं। लीनियर स्केल को ही मेन स्केल या पिच स्केल कहा जाएगा, ये नोट में, ठीक ना। अच्छा, दूसरी एक चीज, अब यहां पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन थी, इसको जिसपे ये लिखा था ना, यहां पर ये देखिए लिखा था जीरो, यहां ये गैप बने थे छोटे छोटे इस तरीके से, ठीक, फिर ये इस तरीके से एक छोटा सा बड़ा, फिर ये इस तरीके से, ये जो चीजें थी, और यहां वन, ठीक, ये जो लाइन थी इसको बोला जाता था, यहां लिख लीजिए, यहां पे हम लोग क्या जानते हैं इसको, रेफरेंस लाइन, ये तो जानते हैं रेफरेंस लाइन। और इसको क्वेश्चन में आपसे और क्या क्या टर्म यूज किया जाएगा, इसको मीन लाइन या पिच मार्किंग, पिच मार्क लाइन, ने इसको लिख लीजिए मीन लाइन, क्वेश्चन में इसी को और क्या बोलेगा, मीन लाइन, या इसको लिखिए पिच मार्क, ठीक, ये हो गया, इतनी बातें। अब दूसरी एक बात और नोट कर लीजिए, जो यहां पर ये स्क्रू लगा था, स्क्रू है ना, इस तरीके से, याद है कुछ, सब खा पी के चिकन, इस तरीके से जो स्क्रू लगा था, ठीक, ये जो स्क्रू लगा था, इसमें हम लोग इसको जानते थे कि ये क्या है, इतना दूर ये पिच है, और इसकी पिच निकाली कैसी जाएगी, ठीक, जैसे पिच है तो पिच के लिए फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे, पिच इज इक्वल टू, याद है कुछ, तो दो फॉर्मूले और लिख लीजिए, फिर उसके बाद आपके सारे सवाल एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। पिच इज इक्वल टू क्या था, कि डिस्टेंस मूव बाय द थिम्बल, है ना, डिस्टेंस मूव बाय थिम्बल, यानी डिस्टेंस मूव बाय थिम्बल अपान नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ थिम्बल, ये तो सिंपल फॉर्मूला था जो कि बेसिक है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ थिम्बल, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था। और ये पिच मेजर कैसे करी जाएगी, तो कहेंगे इससे मेजर करी जाती है, यानी ये जो पिच है इसको साफ साफ हम लिख दे रहे हैं, ये जो पिच है, पिच PITCH, ये जो पिच है ये मेजर कैसे करी जाएगी, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये और ये इतनी, ये पिच कैसे मेजर करी जाएगी, लेंथ में मेजर करें, सेंटीमीटर मीटर में कहीं से मेजर करी जाएगी, तो ये पिच कैसे निकलेगी, जब हम अब इस पे अलग से तो इसके लगाएंगे नहीं, नहीं, तो ये जो गैप होता है इसी गैप के बराबर होता है, ठीक ना, ठीक। तो इस पे जो पिच है, पिच मतलब ये डिवीजन, ये डिवीजन ऑफ मेन स्केल या लीनियर स्केल, ये भी क्या है, यही ये पिच है, ये पिच को बताएगा, मतलब यानी अगर यहां से हमने कहा कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो आप यहां देख लेंगे, यानी 0.1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, जनरली ये सेंटीमीटर स्केल होती है ना, सेंटीमीटर वाली स्केल होती है जनरली, मोस्टली क्या होती है, सेंटीमीटर, आमतौर पर हमने लिखा था ना, आमतौर पर ये सेंटीमीटर स्केल होती है, तो इसको आप समझ जाइए कि ये क्या है, सेंटीमीटर स्केल। और ये खाना इसका कितने का होता है, 0.1 आमतौर पर, अब बोले जाएगा तो 0.5 भी हो सकता है, ठीक है ना, 0.5 या 0.1 इस तरीके से हो जाएगा, तो ये पिच ये भी, ठीक ना, तो इसका मतलब ये 0 है, यहां 1 लिखा हुआ, ये 1 है, 1 समझिएगा इसको, जरा थोड़ा सा वो कर लिया करिए जूम, ये 1 है और ये 0, ठीक, इतनी बात समझ आ गई, तो यानी ये क्या हो जाएगी, पिच। और कुछ बच्चा सवालों के लिए, नहीं, तो इसका मतलब अब ये पिच इससे मेजर करी जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पिच इज इक्वल टू, अगर आपको निकालना जाए तो, पिच निकालने के लिए कहा जाए तो कहेंगे पिच इज इक्वल टू, यानी पिच इज इक्वल टू
फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, नया फॉर्मूला, पिच ऑफ द मेन स्केल। अच्छा हाँ, ये पिच है, इसी को लिखिए पिच ऑफ, पिच इज इक्वल टू पिच ऑफ मेन स्केल, या ब्रैकेट में लिखिए लीनियर स्केल, इसको बोल दिया जाएगा। ठीक, अब पिच इज इक्वल टू अब क्या बन जाएगा जो फॉर्मूला था, अब देखिए पिच का फॉर्मूला, सवाल लगाए गए हैं, सवाल में जो आया है उसी से काम चल जाएगा, अलग से इसको पढ़ने नहीं उतरे। पिच ऑफ मेन स्केल, अच्छा लिस्ट काउंट पढ़े थे ना, ये तो पिच हो गई, अब लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला पढ़ लीजिए, जो पढ़े थे दूसरा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, एक पिच इस तरह से निकाली जाएगी, ये पिच इसी के बराबर होगी, ठीक है ये पिच का फॉर्मूला होगा। अब आ जाइए लिस्ट काउंट, अगली क्या बात, लिस्ट काउंट देख लीजिए। ठीक, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू ये पिच ऑफ मेन स्केल, क्या लिख देंगे आप, पिच ऑफ मेन स्केल, ठीक पिच ऑफ मेन स्केल, ठीक, या इसी को लिख दीजिए क्या, लीनियर स्केल डिवीजन है ना, या लेंथ ऑफ जितने भी, ये डिवीजन है छोटा सा बिल्कुल, एक डिवीजन की लेंथ, इसी को भी समझ जाइएगा कि ये एक लेंथ की, जहां पिच अगर कहा जाए कि पिच ऑफ मेन स्केल, तो इसका मतलब ये इतनी डिस्टेंस दे रखी है, कितनी, ये सिर्फ इतनी डिस्टेंस आपसे बता रहा है कि मतलब एक डिवीजन, एक डिवीजन की जो लेंथ है वो इतना सेंटीमीटर है, ये ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन के लिए है, और ये इससे क्वेश्चन जल्दी, मेन स्केल या फिर लीनियर स्केल, ठीक आप समझ गए आप पूरी बात, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन लिखिए, या नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप इसको नोट कर लीजिए, इससे क्या होगा कि क्वेश्चन में इस तरीके से भाषा यूज करी जाएगी, तो आपको लगेगा कि यार हमने तो पिछले लेक्चर में सब पढ़ा नहीं था स्क्रू गेज वाले में, है ना, तो अब एकदम बिल्कुल अब ये सटीक है, अब सारे सवाल आप लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए लैंग्वेज ही एक जगह सेंटेंस सेंटेंस में यूज किया गया है बेयरली, है ना, जीरो ऑफ द मेन स्केल है ना, विजिबल बेयरली, तो अब ये चीजें आएंगी तो अलग अलग शब्द आएंगे, तो आपको लगेगा यार ये क्या चीज है, फिजिक्स में ऐसा कहां आया था, तो हम बताएंगे वो सब क्या चीजें हैं, ठीक ना, तो आप इतना नोट कर लीजिए ये वाला पहले, देखिए बड़े ध्यान से कि ये थी क्या, इसको क्या बोला जा रहा है, ये जो लाइन है इसको हम लोगों ने रेफरेंस लाइन पढ़ा था, क्वेश्चन में आपको मीन लाइन भी कहा जाएगा, पिच मार्क लाइन भी कहा जाएगा, ठीक है, ये लीनियर स्केल, इसी को मेन स्केल, इसी को पिच स्केल भी कहा जाएगा, ठीक, और पिच अगर ये थिम्बल है जो यहाँ पे स्क्रू, जो ये स्क्रू है ना, ये स्क्रू है, इस स्क्रू पर जो ये थिम्बल बने हुए, स्क्रू मतलब ये पूरा एक थिम्बल, और थिम्बल पर ये जो कट बने रहते हैं खांचे, यानी वो पिच है, और ये पिच किसकी होगी, कहेंगे यही पिच इस पिच के बराबर होगी, ये पिच और ये इसकी पिच बराबर होती है, यानी ये पिच इसकी पिच और इसकी पिच, मेन स्केल की पिच, पिच मतलब एक डिवीजन, उसकी एक डिवीजन की लेंथ, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक, आप मेन स्केल या लीनियर स्केल। अब पिच इज इक्वल टू क्या था, जो हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे कि डिस्टेंस मूव बाय थिम्बल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ थिम्बल, अ लिस्ट काउंट अब क्या बन जाएगा, तो ये पिच, यानी इस वाले से निकाल कर या फिर इस वाले से निकाल कर, यानी पिच ऑफ द मेन स्केल, या तो ये फॉर्मूला लगेगा, या पिच इससे निकाल कर वो वाली पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इस तरीके से सवालों को हल करेंगे। तो आप समझ गए कि आप बेसिक बेसिक चीजें इतनी आप समझ गए, जरिए जैसे एक सवाल है कह रहा है कि द स्क्रू गेज गिवन, अब चलिए क्वेश्चन पे इतना नोट करिए, जल्दी नोट करिए, पहले सारी बातें नोट कर लीजिए, नोट हो जाए फिर बताइए। नोट हो गया, चलिए आगे चलते हैं, यानी ये स्क्रू गेज गिव्स, देखिए लिखा है ना, स्क्रू गेज गिव्स, बड़े ध्यान से सुनिए सवाल को और फिर समझते हैं क्या कह रहा सवाल। स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स, रीडिंग नॉट रीडिंग्स, ठीक ना, रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर, यानी एक डायमीटर मतलब एक वायर का डायमीटर जब हम मेजर करना चाह रहे हैं स्क्रू गेज के द्वारा, तो निम्नलिखित रीडिंग आ रही है, जैसे मेन स्केल रीडिंग आ रही है, अब मेन स्केल बोला ना सवाल में, तो इसका क्या मतलब हो गया, मेन स्केल का, मेन स्केल का सिंपल सा मतलब हो गया कि इस पर जो रीडिंग आ रही है वो 0 mm आ रही है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यानी अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर, मेन स्केल रीडिंग 0 mm आ रही है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब इस पर जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 52 डिवीजन, क्योंकि इसके हमने बताया था कि इस पे सिर्फ डिवीजन बने रहते हैं, इसकी यूनिट नहीं होती, ठीक। अब कह रहा है गिवन दैट 1 mm ऑफ ए मेन स्केल, यानी 1 mm, ठीक ना, यानी इसकी बात कर रहा है, 1 mm करेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ वायर फ्रॉम द एबव डाटा इज, आप बताइए एबव डाटा को देखकर
कि इसका जो ये डेटा दिया हुआ है, इस वायर का डायमीटर क्या होगा, इसके हिसाब से आपको बताना है। तो जब आप डायमीटर निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो आप क्या लिखते थे कि मेन स्केल रीडिंग प्लस का सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, यानी आप लिखे थे ना ऑब्जर्व रीडिंग, यही तो लिखते थे ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू। सवाल को देखिए, आज थोड़ा स्पीड में हम लोग लगाएंगे, बात को समझिएगा, क्योंकि अब समय थोड़ा आगे बढ़ रहा तो हम भी लोग को आगे बढ़ना चाहिए भाई। 2023 आ गया, पढ़ते पढ़ते 24 ना आ जाए, 25-27 आ जाएगा, क्या फायदा। ऑब्जर्व रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग, यही तो था फॉर्मूला, देखिए मेन स्केल रीडिंग प्लस का सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। आप देखिए मेन स्केल रीडिंग कितना, 0 mm, कितना 0 mm, ठीक। और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना, 52, जो कॉन्साइड कर रहा होगा इसकी मेन रेफरेंस लाइन से, ठीक है। इनटू लीस्ट काउंट अब रह गया, क्या रह गया, लीस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट के लिए क्या, पिच ऑफ द मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो यानी यहां से लिस्ट काउंट नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। कितना आ जाएगा यहां पे, देखिए कितना है यहां पे, ये वाली लाइन पढ़िए, ये वाली, गिवन दैट 1 mm ऑफ मेन स्केल, यानी वो उसकी क्या है, पिच है। आपसे बोलेगा नहीं कि वो पिच है, आपको समझ जाना है, आपको ये बात अपने मन में समझ जानी है, ठीक है। जैसे आप किसी की बात को अपने मन में समझ जाते हैं कि हाँ यार वो बहुत, देखो कितना बदतमीज है, यही वाली बात, ठीक है। 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन, यहां लिखिए 1 mm, जो जैसे चीजें लिखी जाती है वैसे लिखिए, अपॉन 100 डिवीजन। तो आप क्या लिख देंगे इसको, अभी 1/100 mm, तो 1/100 का मतलब कितना होता, 0 पॉइंट लगा के फिर 0 1, उसके बाद mm, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये आ जाएगा लिस्ट काउंट। अब इस लिस्ट काउंट का इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल कब का है, इसका वो सब भी तो आना चाहिए साथ में, नीट, ये नीट है, हाँ नीट, ठीक, वेरी गुड। अच्छा आंसर सेंटीमीटर में चाहिए भाई साहब, लिख दीजिए आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, ठीक ना, आंसर किसमें, इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर में चाहिए। तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए, इसको भी सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर की कोई जरूरत नहीं हो तो जीरो है, बात ही खत्म। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में, आंसर सेंटीमीटर में चाहिए उनको, ठीक है। तो सेंटीमीटर में आ गया लिस्ट काउंट। अब यहां से क्या करेंगे हम, इसको देखिए ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू, इसका तो कोई मतलब है नहीं, 0 mm, बात ही खत्म। अब यहां पे इसका इसका यानी हो गया 52 इंटू लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.001, और भी सेंटीमीटर में चाहिए तो हमने सेंटीमीटर में रख दिया। अब आज यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे लिखिए 52, अब 1, 2, 3 प्लेस के बाद है ना डेसिमल लगा, 1, 2 और ये देखिए 3 और ये डेसिमल लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल सा सवाल लगाना होता है, ठीक है। सवाल देखने में कितना डरावना था, ऐसा ही होता है ना, डरावना होता है लेकिन होता कुछ नहीं, ठीक, ये भ्रम होता है खाली। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक, इसको नोट करिए जल्दी, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बहुत सारे सवालों को लगाना है, स्पीड बढ़ानी, ठीक, नोट करिए, नोट करिए जल्दी, नोट करिए सब सारी चीजें। चलिए अगला सवाल है, द स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ, देखिए ध्यान से बड़े सुनिए, द स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, यानी 0.01 mm, देयर आर 50 डिवीजन, यह डिवीजन ठीक ना, ऑन इट सर्कुलर स्केल द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज, पिच कितनी होगी, ठीक ना, ये हमें चाहिए, ठीक ना, एमएम में चाहिए पिच, पिच किस में चाहिए, एमएम में, सवाल में एमएम में मांग रहा है, ठीक है। तो पिच के लिए अभी क्या फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं, कि पिच इज इक्वल टू, हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, पिच क्या पढ़ के आ रहे हैं, पिच हमें लिस्ट, सॉरी एक मिनट, पिच छोड़िए, लिस्ट काउंट पढ़ के आ रहे हैं, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। हमें लिस्ट काउंट दे रखा है, पिच पूछा गया है तो नहीं लगा लेंगे, तुरंत लगा लेंगे, अरे काहे नहीं लगा लेंगे, यानी पिच इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 50 है, देखिए पलखा ना 50, समझ में आ रहा है, एकदम 50, बड़े सिंपल तरीका है, यहाँ पे 50 रख दीजिए, यहाँ लिस्ट काउंट दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, यानी 0.01 mm में है, तो इसको mm में रहने दीजिए, चाहे सेंटीमीटर, आंसर mm में ही चाहिए, ठीक है, mm में चाहिए, इंटू कितना 50, तो पिच कितने की हो जाएगी। अब इसको क्या करना होगा, आपको बहुत सिंपल तरीका हमने बता रखा है,
ठीक, ये 50 चूंकि डिवीजन है तो इसकी यूनिट है नहीं, तो इसके आपस में मल्टीप्लाई होगा भाई, ये मैग्नीट्यूड वैल्यू मानी जाएगी और यहाँ पे यूनिट के साथ है, तो केवल और केवल इसमें इसका मल्टीप्लाई करके इसी की यूनिट लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो कितना लिख देंगे, पहले 50 लिख देंगे, 1 2 1 2, ठीक, बाद डेसिमल लगा लेंगे, कितना आ जाएगा 0.5 mm, ठीक है 0.5 mm, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ठीक, ये बस समझ आ रही, बहुत सिंपल होता है, आप केवल घबराते हैं बस। कह रहा है स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल, ठीक है, स्टील की बॉल है उसको मेजर करना चाहता है यूजिंग स्क्रू गेज जिसका आपको लीस्ट काउंट दे रखा, क्या दे रखा, लीस्ट काउंट गिवन है। आगे बता रहा कि द मेन स्केल रीडिंग, यानी मेन स्केल की रीडिंग आ रही है, कितनी आ रही है, 5 mm आ रही है, ठीक, एंड द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, देखिए सर्कुलर स्केल का जीरो है, कोइंसाइड विद, है ना, सर्कुलर सर्कुलर स्केल का, चलिए सर्कुलर स्केल लिखा है तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद 25 डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल, ठीक है, एबव द रेफरेंस लेवल, सर्कुलर स्केल नहीं यहां पे मेन स्केल होगा ना, ये इसमें सवाल, एक मिनट जरा सवाल देख लेने दीजिए। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, अच्छा जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन यहां लिखा हुआ, इसको सही कर लीजिए, डिवीजन कॉन्साइड विथ 25 डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल, ठीक, इफ द स्क्रू गेज, ठीक, इफ द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर, कितने की, इसमें देखिए नेगेटिव टाइम्स की जीरो एरर है, ठीक, द करेक्ट डायमीटर ऑफ बॉल इज इन सेंटीमीटर में बताइए, ठीक, ये सवाल है। सवाल समझ में आ गया कि यानी एक स्टूडेंट वो मेजर करना चाह रहा है स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके एक स्मॉल स्टील बॉल का डायमीटर जिसमें की लिस्ट काउंट उन्होंने पहले से ही दे रखी है। अब वो ये देख रहा है कि मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm है एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन डिवीजन कॉन्साइड विथ 25 डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल, अच्छा रेफरेंस लेवल से 25 डिवीजन एबव है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, इफ द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर, ठीक, वो भी नेगेटिव टर्म्स, द करेक्ट डायमीटर ऑफ बॉल, ये सवाल है। तो कैसे करेंगे आपको, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया करेक्ट डायमीटर, करेक्ट डायमीटर हम तभी निकाल पाएंगे जब हम ऑब्जर्व रीडिंग पहले निकाल लें, तो ऑब्जर्व रीडिंग हो जाती है MSR यानी मेन स्केल रीडिंग या लीनियर स्केल रीडिंग प्लस का उसका CDS सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, ठीक, तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितनी है 5 mm, आंसर हमें चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में, यानी इसको बदल लें हम यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, सारा कुछ हम बदल लेंगे क्योंकि अभी देखिए लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में, ये अभी सेंटीमीटर में खाली यही रह गया है, तो इसको हम लिख देंगे 0.5 cm, कोई दिक्कत है क्या, 0.5 cm भाई, 1 mm इज इक्वल टू 0.1 cm, तो 5 mm इज इक्वल टू कितना, बस वही चीज है। अब कह रहा है यहाँ पे कितना 25 डिवीजन, ठीक, कॉन्साइड कर रहा है रेफरेंस लेवल की लाइन से इंटू इसका लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना है 0.001 cm, तो आप देखिए ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 25 लिख दीजिए चुपचाप, 1 2 3 1 2 और ये देखिए 0 बढ़ा के 3 ये थोड़ा मतलब 3 प्लेस हो गया, ठीक, सेंटीमीटर। अब इसमें आपको ये ऐड कर देना होगा, कितना हो जाएगा, ये देखिए 0.5 है, इसी के बाद पॉइंट के बाद 5 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 0.525 cm, ये ऑब्जर्व रीडिंग आई, बात समझ आ रही, नीचे लिख दें क्या थोड़ा सा, चलिए नीचे लिख दें, नहीं तो आपको लगेगा इसमें प्लस हो रहा है, ठीक ना, बस समझ में आ रही, बहुत सिंपल होता है ये 0.525 cm, ये तो ऑब्जर्व रीडिंग है, अभी ट्रू रीडिंग थोड़ी है, वो कह रहा है करेक्ट डायमीटर में चाहिए जिसमें कि नेगेटिव एरर भी है इसमें, ठीक है, तो नेगेटिव एरर के लिए क्या था हिसाब, कि ट्रू रीडिंग, ठीक है, ट्रू रीडिंग या करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग जो आई है वो माइनस का ब्रैकेट में नेगेटिव एरर जैसे है वैसे रख देना होगा, नेगेटिव एरर, ठीक, तो आंसर अब क्या हो जाएगा ट्रू रीडिंग का, बहुत हिसाब से देखिए, यानी 5 सेंटीमीटर और प्लस, यहां देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहां देखिए नेगेटिव दिया हुआ, यहां नेगेटिव रखेंगे, यही साइन पूरा इसी तरीके से उठा के, आपको अपने मन से कुछ नहीं करना था, ये नेगेटिव एरर है, इसको उठा के नेगेटिव के साथ कर दें, बिल्कुल कर दीजिए, कहे नहीं करेंगे, अरे आप कहेंगे नेता है का कि आपकी कोई बात मान ले है?
इस तरीके से। अब देखिए दोनों क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 0.529 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यही आपका आंसर आ जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। दो सवाल ये बड़े अच्छे हैं, आगे चलते हैं आप सवालों की तरफ, नोट करिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है कि सवाल में दो सवाल हैं, यहां पे देखिए बड़े ध्यान से दो सवाल हैं। एक है स्क्रूगेज हैज 50 डिवीजन, कितना भैया 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पे कितने खाने हैं 50 खाने हैं। द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट अहेड ऑफ पिच स्केल मार्किंग, देखिए शब्द आ गया ना, पिच स्केल मार्किंग से 4 यूनिट अहेड है, इसका मतलब 4 यूनिट आगे है। तो क्या आगे पीछे से हम भी हो सकते हैं, जीरो को ही तो कंसिडर करते हैं कि जीरो आगे है कि जीरो पीछे, तो ये अंडरस्टूड है। सवाल में आपसे बोलेगा नहीं कि द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट, वो सीधे सीधे सवाल में बोला कि द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट अहेड। इसका मतलब कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है कि आगे पीछे कैसे पहचानते हैं, जीरो से। आगे पीछे कैसे पहचानते हैं, जीरो से। इसका मतलब जीरो क्या है, 4 यूनिट अहेड ऑफ पिच स्केल मार्किंग। प्रियर टू यूज, यूज करने से पहले, इसका मतलब उसमें क्या है, एरर है। आगे चल रहे हैं, कह रहे हैं कि वन कंप्लीट अपॉन वन कंप्लीट रोटेशन, है ना, अच्छा रोटेशन दो बार हो गया कोई बात नहीं, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ठीक 0.5 mm इज नोटिस्ड ऑन पिच स्केल, द नेचर ऑफ जीरो एरर यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव ये बताना है इन्वॉल्व, एंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रूगेज, लीस्ट काउंट क्या होगा ये भी बताना है आपको, दोनों चीजें बतानी है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी इसका मतलब जब हम यहां देख इन्हें किनारे बना ले, बिल्कुल बना लीजिए, कहां नहीं बनाएंगे, अरे बिल्कुल, यह है सर्कुलर स्केल, हम मान लेते हैं यह है सर्कुलर स्केल ठीक, और यहां पर ये, तो जब हमने देखा तो हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ जो जीरो मार्किंग है वो कितना 4 यूनिट आगे है, 4 यूनिट का मतलब 4 खाना आगे ठीक, 4 खाना कितना आगे, मतलब समझ में आ रही बात, यानी यहां लिखा है जीरो तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 आपको क्या मार्क करना है यहाँ पे 4, तो इसका मतलब 1, 2 यहाँ लिखा रहेगा, 1 यहाँ लिखा रहेगा, 2 यहाँ लिखा रहेगा, 3 यहाँ लिखा रहेगा, 4 ऐसे मान के चलिए, या 90 अगर आप मान के चलेंगे, 96 से मान के चलेंगे कि यहाँ 50 डिवीजन है, कितने 50, तो यहाँ क्या लिखा रहेगा 45, बात समझ में आ रही है, यहाँ क्या लिखा रहेगा ये 1, 2, 3, 4 और ये यहाँ लिखा रहेगा 45, बात समझ में आ रही, यानी ये देखिए ये रेफरेंस लाइन है, अगर ये रेफरेंस लाइन से कितना है 4 यूनिट अहेड, 4 यूनिट आगे है, क्या है आगे, जब ये जीरो आगे रहता है तो नेचर एरर कैसी जाती है पॉजिटिव, तो नेचर तो पता चल गया कि जीरो एरर कैसी है इसमें पॉजिटिव है, जीरो एरर का नेचर कैसा है पॉजिटिव। अब हमसे क्या सवाल में लिस्ट काउंट, अब हमसे क्या सवाल में पूछा गया लिस्ट काउंट ठीक है, तो लिस्ट काउंट के लिए क्या हमें चाहिए होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हम कहते हैं पिच, है ना, अब पिच हमें चाहिए है ना, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो कि 50 है ठीक, सर्कुलर स्केल का डिवीजन, ये तो फॉर्मूला था भाई, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यहाँ पे आपकी बार 50 डिवीजन, हमने कहा था आमतौर पे 100 होते हैं, इन्होंने 50 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या मतलब, आप 30 लीजिए 50 लीजिए भाई, जितना जिसकी औकात हो उतना ले, हमसे क्या मतलब। अब कह रहे हैं पिच निकाल के लाओ, तो भैया पिच इज इक्वल टू क्या था, हमने बताया था पिच, कह रहे हैं कि जो थिम्बल है, यानी कह रहे हैं कि एक बार रोटेट करने पर जो सर्कुलर स्केल है ना, जब सर्कुलर स्केल ये पूरी एक बार ऐसे रोटेट करी जा रही है, तो ये जो इस पर जो ये जो स्केल बनी हुई है ये पड़ रहा है उसको एक रोटेशन को 1 mm नहीं 0.5 mm, ये जो नंबर बने हैं इस पे यहाँ लिखा है जैसे 0, तो ये 1, 2, 3 फिर 4 फिर ये 5वां खाना इसका थोड़ा सा बड़ा और फिर उसका ये, इस तरीके से जो बना हुआ है ये क्या पड़ रहा है, जब इसको एक बार रोटेट कर रहे हैं तो ये रीड कर दे रहा कितना डिस्प्लेसमेंट, इसी चीज को पिच को देखिए अब की बार क्या गया पिच, यानी अब या इसका अब ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, बस समझ रहे मतलब, ओ अरे वही डिस्टेंस, डिस्टेंस को आपके सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं पिच हमें चाहिए, यानी जो डिस्टेंस मूव था बाय थिम्बल वहां पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे वही चीज डिस्प्लेसमेंट, बस समझ रही, तो पिच इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, क्या था पिच का 0.5 mm अपान कितना रोटेशन नंबर ऑफ रोटेशन 1, बात समझ में आ रही, यानी 0.5 mm अपान नंबर ऑफ रोटेशन, अब कितना रोटेशन है 1, क्या लिख देंगे 1, तो पिच कितनी आ जाएगी 0.5 mm, कोई दिक्कत है क्या, अब पिच आ चुकी है तो पिच यहां लिख दीजिए कितना आ जाएगा 0.5 अपान कितने डिवीजन 50 डिवीजन। अब कुछ लोग यहां कहेंगे अरे
हम इसको कैसे जोड़े घटाएं, ये तो बहुत लफड़ेबाज हो गया। कुछ नहीं करना होता, जब ऐसी स्थिति आए तो आपको लिखना है केवल कुछ नहीं, डेसिमल हटा लीजिए, इस डेसिमल को हटा के ठीक इंटू टेन कर दीजिए। बात समझ आ रही? तो अगली लाइन में हम वही लिख दें, यानी 5/50 × 10। ये देखिए इससे कट गया और नीचे कितना बचा, एक, ये देखिए 10, ये 10 100, कितना हो गया 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.001। और किसमें आया, एमएम में, किसमें आ गया, एमएम में। आंसर किसमें पूछा गया है, आंसर पूछा गया माइक्रोमीटर में, लिस्ट काउंट आंसर देख लीजिए, माइक्रोमीटर में पूछा गया, किसमें, माइक्रोमीटर में। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग, ये देखिए पॉजिटिव जीरो एरर है भैया, इसको वहां लिख दे रहे हैं पॉजिटिव जीरो एरर, आप समझ जाएंगे, समझदार लोग हैं, ठीक है ना। ये पॉजिटिव जीरो एरर यहां पर कितनी हो गई, ये पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक, ये नेचर हो गया इसका। और आपको लिस्ट काउंट पूछा गया था तो वो ऐसे हो गया, ठीक। पिच निकाल लिया, पहले पिच का मतलब वो डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर इधर उधर जा रहा है, अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, तो कह रहे हैं एक रोटेशन पे, एक रोटेशन पे हो गया, वेरी गुड। अब आ जाइए यहाँ पे, कह रहे हैं इसको माइक्रोमीटर में बदलिए, तो पहले मीटर में तो बदले, फिर माइक्रो की बात होगी बाद में, माइक्रो माइक्रो, ठीक। चलिए तो यहाँ पे आप हम इसको बदल ले रहे हैं, चलिए इसी के आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। यानी इज इक्वल टू 0.01 × 10⁻³ मीटर में आ गए। अब हमें लिखना माइक्रोमीटर में, अब हमें किसमें लिखना, माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर हमें पता है कि अगर 10⁻⁶ लिख दिया जाए तो इसको बोलेंगे माइक्रो, तो हमें ये अब तीन तो मिल चुका है, अब दो यहां से ले लेंगे अगर तो हो जाएगा 5, यानी एक और चाहिए, तो हम क्या करें इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, कोई दिक्कत है क्या। इसमें हमने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और ये वाला 10 ऊपर चला गया, और साफ साफ कर दें आपके लिए आसान कर दें, अरे बिल्कुल कर देंगे, अरे बाबू कहे परेशान होते हैं आप लोग, अरे यह है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लीजिए 10⁻⁵ मीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, इंटू 10/10 कर दिया, ये जो 10 है इसको ऊपर लेते जाइए, कितना हो जाएगा 10⁶ मीटर। अरे हाँ सर जी, कितना बढ़िया, यानी ये 10 × 10⁻⁶, और ये जो 10⁻⁶ है इसको क्या लिख देंगे 10 × μm। देखिए कितना सिंपल हम कर दिया आपके लिए, है ना, अरे आपके लिए तो जान दे देंगे, क्या बात है, ये सब का चीज है, मतलब ऐसा ही कह रहे हैं दे होंगे नहीं, वो उसमें कंफर्म है एकदम, कहें दे दें, जो उसमें बोला जाता है वही वाला बोले देंगे, पता चले हाँ सर जी आए आप छुरा लेके गोज दे गोपी दिए पेटवे में, जान तो देने गए थे, है ना। तो ये हो गया, ठीक, बहुत आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जोड़ घटाना मत करना फालतू, वो सब नहीं, आराम आराम से करना हो तो मजा आती है। अब कह रहे हैं यूजिंग स्क्रू गेज, अगला सवाल है, यूजिंग स्क्रू गेज द पिच, यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 सेंटीमीटर, अब 50 डिवीजन है इसके सर्कुलर स्केल पे, थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, ठीक, सवाल समझ में आ रहा है। यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 सेंटीमीटर एंड 50 डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, मेजर करी जा रही है इससे, ठीक। कह रहे हैं इट शुड बी करेक्टली, इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज, यानी जो इसकी थिकनेस है वो सही इनमें से कौन हो सकती है, आपसे ये सवाल सही होनी चाहिए, कौन आपसे इसमें से ऑप्शन में पूछा गया है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, अब जो राम रच रखे हैं वही वही सब भैया। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे तो ये पता चल रहा है कि केवल पिच दे रखी है, पिच दे रखा है ना, पिच ऑफ स्क्रू गेज का मतलब, यानी मेन स्केल की पिच दे रखी है। लिस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं, लिस्ट काउंट, तो 0.1 सेंटीमीटर में अपान, और ये डिवीजन वहां कितना है, हो 50 है, अरे वाह 50 है, ठीक। अब कुछ लोग इसमें भी परेशान होंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अरे इसमें क्या करिए, इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे, किसका, इंटू 10। हम यहां इसलिए नहीं कर रहे कि आपको लगेगा 0.1 भी लिखा है, फिर 10 का मल्टीप्लाई कैसे हो गया, ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 50, ये डेसिमल हट जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 1.5 देखिए, 1/5 इज इक्वल टू कितना होता था 0.2, बस समझ आ रही, 1.5 इज इक्वल टू कितना था 0.2, बेसिक मैथ में सब पढ़ाया था फ्रैक्शन में, है ना, याद करो गधों, 0.2, 0.2 अपान ये देखिए इसका 10 और इसका 10 100, है ना, तो ये कितना लिख देंगे बहुत आराम से 0.002 और किसमें, सेंटीमीटर, ये इसका लिस्ट काउंट, ठीक। अब इसका मतलब जो कुछ आंसर होगा या तो 0.2 हो या उससे कम हो तो खूब आराम से पड़ेगा,
ये जो स्क्रूगेज 0.002 तक पढ़ेगा उसके बाद पढ़ना बंद कर देगा। तो यानी जो कुछ रीडिंग होगी उसमें हम जरा चेक करें कि लास्ट में जो कुछ पढ़ेगा 0.2 पढ़ देगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेगा। तो जरा चेक करिए यहाँ पे 2.121 यानी लास्ट में देखिए 1 आ रहा है, यानी 2 पढ़ेगा या तो उससे कम पढ़ेगा, ज्यादा पढ़ ही नहीं पाएगा, अनपढ़ है, ज्यादा कहाँ पढ़ लेगा भाई, 2 तक पढ़ रहा है, तीसरी कक्षा उसको आती ही नहीं, 2 तक पढ़ोगे तो कोई चीज, अगर 2 तक पढ़ा है भाई कोई आदमी, 1 का तो ऐसा ही बता देगा हाँ 1 आता है हमको, 3 का बताओ कहेगा ना हम 3 में गए नहीं कब हो। तो यहाँ पे देखिए 4 लिखा है, यानी इसको नहीं पढ़ेगा। तो इसी चीज को लिखते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है ये, ठीक है ना, जो रीडिंग आती है इसी के इंटीग्रल मल्टीपल होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये अच्छा सवाल आप मान सकते हैं, अच्छा बुरा क्या, अच्छा बुरा इस धरती पे कुछ नहीं होता, खाली कर्तव्य आदमी के अच्छे बुरे होते हैं, है ना, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात, इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी नोट करिए इसको, दोनों सवाल समझ में आ गया, अच्छे से नोट करिए खूब आराम से टाइम लेके। चलिए आगे देखते हैं, अगले दो सवाल हैं। इफ द स्क्रू गेज, ठीक, इफ द स्क्रू, स्क्रू लिखा हुआ है, स्क्रू अन स्क्रू गेज, ठीक, यानी जो स्क्रू बने होते हैं जिसको थिम्बल बोल रहा है वो स्क्रू, ठीक है, इज गिवन 6 रोटेशन, कितना रोटेशन, 6 रोटेशन, इट मूव बाय 3 mm ऑन मेन स्केल, ठीक, जब मेन यानी उसके बाद मतलब 3 mm अगर आगे बढ़ रही है तो 6 रोटेशन हो जा रहा है, यानी 6 बार घुमाने पर, 6 रोटेशन घुमाने पर कितना 3 mm मेन स्केल आगे हो जा रही है, इसका मतलब यही है, ठीक। इफ देयर आर 50 डिवीजन, कितना डिवीजन, 50, यह है 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज, बात समझ में आ गई, यानी पिच निकाल लेंगे, अब पिच निकाल लेंगे तो हम लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। अब पिच इज इक्वल टू क्या था, आपकी बार देखिए रोटेशन वाला मामला था, तो पिच इज इक्वल टू हमने बताया था कितना कितना वो घुमाया जा रहा है, पहले तो ये 3 mm जो आगे बढ़ रहा है अपान 6 टाइम घुमा दिया गया, कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 mm, ठीक, mm में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई भाई, 3 mm आगे बढ़ रहा है, उसका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कहिए चाहे जो कह लीजिए भाई, 6 रोटेशन है तो हो गया भाई, इसको काटेंगे तो कितना 1/2, 1/2 का मतलब हाफ होता है, अरे हाफ को मतलब हाफ का मतलब 0.5 होता है, 0.5, अब इसको सेंटीमीटर में अगर बदलना चाहे तो 0.05 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब लिस्ट काउंट हमें चाहिए, तो लिस्ट काउंट हमें पता ही है क्या होता है, कहते हैं कितना होता है, बहुत बढ़िया होता है, जौन कुछ होता है सब बढ़िया होता है, 0.5 अपॉन पिच ये, ठीक, 50, अब इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे कितना 50 × 100, ठीक, ये देखिए कटा कितना बचा 10, यानी 1000 हो गया, यानी 1/1000 का मतलब कितना होता है 0.001, और भी किसमें, चूंकि ये हमने लिखा है सेंटीमीटर में, तो ये आंसर किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो कौन सा आंसर सही है, डी सही है, ठीक है। अच्छा कुल 1 में हो गया का, अरे यही तो गड़बड़ी है सर जी की ना, तो काबिल बहुत बनते हैं, यही सब नहीं अच्छा लगता है, यहाँ लिखना है वहां लिख दे रहे हैं, एकदम पगलाए रहते हैं, दिमागों को तो घर देके आते हैं, क्या किया जाए, लिखिए, अरे जी सर, चलिए ये इतना सेंटीमीटर, समझ में आ गया, ये सवाल था। अगला सवाल है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, लिस्ट काउंट इसका मतलब पहले से दे रखा गया, द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड, यानी मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन पूछा गया सर्कुलर स्केल पे, ठीक है, टू मेजर 5 μm डायमीटर ऑफ ए वायर, मतलब यानी मेन स्केल पर जब हम लगा रहे हैं तो वो क्या रीड कर रहा है, 5 μm डायमीटर, है ना, 5 μm, किसी वायर का डायमीटर कितना मेजर कर दे रहा है वो 5 μm का, और लिस्ट काउंट दे रखा है तो मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन हमें चाहिए, इसका मतलब लिस्ट काउंट अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज 5 mm है ना, यानी 5 × 10^2 कितना -6 अपान कितना हो जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन, ये मीटर हो जाएगा अपान नंबर ऑफ डिवीजन किस पे, या लिख दिया CDS सर्कुलर स्केल डिवीजन, चलिए लिख दिया तो लिख दिया नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यही हमसे पूछा गया है, ये रीडिंग हम मान लेंगे क्योंकि ये ऑब्जर्व रीडिंग, ट्रू रीडिंग तो उसने बोला नहीं, उसने सिर्फ ये बोला कि हम मीजर करना चाह रहे हैं, देखिए लिखा है ना कि मीजर किया जा रहा है तो 5 μm, भैया कहां ये 5 μm कौन पढ़ेगा, मेन स्केल है तो पढ़ेगा, और कौन पढ़ेगा, और कौन है क्या पढ़ने वाला, सब तो अनपढ़ है, पढ़ेगा तो मेन स्केल, और मेन स्केल कितना पढ़ दिया इतना, तो भैया मेन स्केल जब पढ़ दिया तो मेन स्केल का वही तो हम उसको क्या मान लेंगे,
पिच पढ़ रहा है, वो इतनी बड़ी पिच पढ़ रहा है। चूंकि लिस्ट काउंट दे रखा है तो हम आराम से पढ़ लेंगे उसको, ठीक है ना। पिच इसका मतलब लिस्ट काउंट दिया था तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया बात, लिस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन हम इसको लिख रहे हैं, सी सर्कुलर स्केल डिवीजन। CDS कहीं लिखा हो तो उसको सर्कुलर स्केल CSD लिख दीजिए, है ना, कहीं अगर लेके आओ तो उसको सही कर लीजिए, ठीक है। लिस्ट काउंट कितना 0. ये इतना, अब इसको देखिए इसमें बदल लीजिए, 1 mm है, अब 1 mm को हम क्या लिख देंगे, 10⁻³ मीटर, चूंकि ये मीटर में है, ठीक, बात समझ आ रही। देखिए इसको इधर ले आएंगे तो ये नीचे चला जाएगा ना, हो कहो ए राजू, इसको इधर ले आएंगे तो लिस्ट काउंट वहां नीचे चला जाएगा ना, कहो बोला मर्दे, क्या गड़बड़ गड़बड़ कर रहा था, बात समझ आ रही। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिवीजन इधर लिखा है तो ये इधर चला जाता है, ठीक ना, लिस्ट काउंट ये हो जाएगा 10⁻³, ठीक है, चूंकि ये भी मीटर है और ये भी झमाझम, आप देखिए जियो मोहब्बत ये, ठीक, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब किस पे, अरे कुछ उल्टा सीधा कर दिए का, कुछ उल्टा सीधा किए हैं तब भाई ये गड़बड़ाया है, तब भाई गड़बड़ाया है, अच्छा भाई उल्टा सीधा कर दिए, उल्टा सीधा हम बहुत कर दिए इसको, तब्बत गड़बड़ाया है, नहीं तो ऊपर माइनस में कैसे आएगा खानमा भाई, डिवीजन में माइनस में कैसे आएगा, गलत हो जाएगा ना, ये उल्टा सीधा हो गया इसमें। चलिए इसको फिर से देखते हैं, उसमें कौन सी बात, एक बेर ना लगी, दो बेर ना लगी, तीनिया बेर ना लगी, तीनिया तीन चाल हुई, वही में लगी तो लगी जरूर है, ऐसा तो कौन बात है ना। 16 फिर से देखिए आंसर में माइनस में आ रहा था, हम गड़बड़ा गए, 16 सही है ना, 16 बात एकदम सही है, कौन दिक्कत है नहीं, ठीक है, बहुत सही, ठीक, हाँ अच्छा, भैया ये कह रहा है लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, है ना, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 μm डायमीटर ऑफ ए वायर, आपसे मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन पूछा गया है, ठीक, और ये लिस्ट काउंट इतना है, तो हम लिस्ट काउंट, अच्छा लिस्ट काउंट हमें गिवन है, इसका मतलब लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हम लिखते हैं पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ये तो लिखते हैं, ठीक, नंबर ऑफ डिवीजन, अच्छा तो यार गड़बड़ाने सवाल कुछ अजीब नहीं लग रहा, चलो क्या करना है समझे जा रहा है, क्या करना है, सवाल आ गया तो अब समझा जाए इसको बैठ के, क्या किया जाए, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, अट द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर द 5 μm डायमीटर ऑफ ए वायर इज, लिस्ट काउंट दे रखा भैया, बहुत बढ़िया सवाल है लिस्ट काउंट, अब जब फंसा तो भैया सवाल बढ़िया हो गया, क्या किया जाए। तो इसमें देखिए अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि पिच, तो पिच की तो बातें नहीं करी गई है, जब लिस्ट काउंट ये इतना पड़ रहा है तो इसका मतलब यहां पे आपसे पूछा गया नंबर ऑफ डिवीजन, और नंबर ऑफ डिवीजन अगर आप इसको हम यहां लिख लेते हैं तो लिस्ट काउंट 1 अगर लिखें तो पिच कितनी लिखेंगे, और रीडिंग हमको पहले ही से दे रखी है, रीडिंग अगर हम मान लें इसको रीडिंग जरा इसको तो कैसे निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग, और मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, चलिए जरा इसको अगर हम मान लें कि यह ऑब्जर्व रीडिंग है अगर हमारी, तो इसमें हो जाता है मेन स्केल रीडिंग और प्लस का सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, अगर यहां से लगाएं तो सर्कुलर स्केल डिवीजन गायब है, ऑब्जर्व रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग यहां पर हमको नहीं मिलेगी, यही ना, मेन स्केल रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग भी हमें नहीं दे रखी, हम ये मानकर चलेंगे क्योंकि ये भी नहीं है, ऑब्जर्व रीडिंग अगर हम इसको मानेंगे तो मेन स्केल रीडिंग गायब है, सर्कुलर स्केल डिवीजन है ही नहीं, वो हमें चाहिए चाहिए, लिस्ट काउंट दिया हुआ यानी मेन स्केल रीडिंग की बात चल रही है, ठीक। तो इस सवाल को क्या किया जाए, लगा ही दिया जाए कौन कौन तरीके, जुगाड़ बनाया जाए भाई, इतने ही डाटा सवाल तो इन्हीं में से आएगा, अच्छा डेटा से जरा इस्तेमाल किया जाए, अगर जोड़ घटाना करके आ जाए तो काम बन जाए। चलिए जरा इसको देखा जाए, नंबर ऑफ डिवीजन अगर हम ये मान लें इसको 1 mm, यानी लिस्ट काउंट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम नहीं करना चाह रहे,
मतलब हम ये कर दें कि 10^-3 अपन जरा इससे डिवाइड करें, देखें क्वेश्चन कुछ क्योंकि ये यही डाटा है तो आएगा तो वही है -6 × मीटर। ठीक, ये देखिए इससे कटा या इससे कटा तब भी आएगा -3, नीचे हो जाएगा -3 ऊपर। हाँ अब आ जा, अरे लीजिए गया भाड़ में सवाल, और का आंसर निकालना था हो गया काम, लफड़ा नहीं लेने का अपने को। कितना हो गया अपान 5 × 10^-3, आइए देखिए ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1000 बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा 5×2 200। आंसर चेक कर ले, हो जाएगा इसी से काम, लफड़ा खत्म। जुगाड़ों से कुछ सवाल लग जाता है, ऑप्शन ए 100, 200, 150, 200 सही है डिवीजन। अब इसमें क्या किया गया कुछ पता चल रहा है, खाली जुगाड़ से सवाल लग गया है कि नहीं भाई, जोड़ घटाना करना था, कौन कौन तरीके ऑप्शन पे पहुंचना था, नंबर ऑफ डिवीजन चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि इस सवाल में, बड़े ध्यान से सुनिए, इस सवाल में जो ये लिस्ट काउंट है, ठीक लिस्ट काउंट 1 mm, इसको हम मान ले रहे हैं पिच, इसको हम क्या मान ले रहे हैं वो पिच, और जो लिस्ट काउंट आ रहा है इसको हम मान ले रहे हैं ये 5 μm, बस यही है इसमें और कुछ नहीं। तो ऐसे सवालों को जुगाड़ से लगाया जाता है, ठीक है ना, जहां ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जोड़ घटाना ऊपर करेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाता है, किस्मत हमारी साथ दे जाती है। भाई माइनस कैसे आ पाएगा खाना, खाना ये 5 जैसे हम पहले लगा रहे थे तो उसमें नेगेटिव आ रहा था तभी हम रुक गए कि कहां हो पाएगा ऐसा, है ना, तो इसलिए ये वाला सही नोट कर लीजिए, यानी इसमें ना ये फार्मूला काम किया ना ये फार्मूला काम किया। ठीक, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है कि इन अ स्क्रूगेज, ठीक है, इन अ स्क्रूगेज क्या दिया हुआ है, इन अ स्क्रूगेज 5 complete rotation ऑफ द स्क्रूगेज, मतलब 5 complete rotation का मतलब यानी जो स्क्रू है, ठीक, वो कंप्लीट रोटेशन कितना हो रहा 5 का। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, बस मतलब सेंस वही है कि वही जाएगा बार बार कि स्क्रू घूमेगा या वो कह देगा कि रैचेट घूम रहा है, हेड घूम रहा है, इस तरीके की बात करेगा, उसका रोटेशन 5 complete rotation है। तो जो लीनियर डिस्टेंस है ना, लीनियर डिस्टेंस कह रहा है कि इट मूव, यानी क्या मूव करता है भाई, कॉमन सेंस क्या कहता है, मैंने इसके आगे पीछे घूमती है कितना 0.25 cm। ठीक है, देयर आर 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, आमतौर पर इतने होते ही हैं। ठीक, थिकनेस ऑफ ए वायर इज मेजर्ड बाय दिस स्क्रू गेज गिव्स अ रीडिंग ऑफ 4 main scale division, यानी 4 main scale division वो पढ़ रहा है, ठीक है, और 30 इतना ये डिवीजन है, देखिए यूनिट मैंने दिया है, इन्होंने डिवीजन ले लिया, और 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन वो पढ़ रहा है। ठीक है, एज्यूमिंग इसमें नेग्लिजिबल जीरो एरर है, यानी कोई जीरो एरर नहीं है इसमें, ठीक है, थिकनेस ऑफ वायर इन सेंटीमीटर, ये सवाल है। ठीक, तो भैया मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग हम ये अगर निकालें तो पहले हमें क्या चाहिए, लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट के लिए हमें चाहिए क्या, पिच, और पिच पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो सबसे लिखिए, सबसे पहले लिखिए पिच, और पिच का ये मतलब हुआ कि जो इस पे ये खाना मा बना रहेगा ना, इसी की लंबैया, अच्छा ये इसी की लेंथ, यही डिस्टेंस या लेंथ, यही होती है पिच, ये होती है पिच, और पिच हमें चाहिए चाहिए, तो यहां हम निकाल लें पिच, तो यानी यहां से शुरू कर रहे हैं, सब इधर ही कर ले रहे हैं सब, पिच इज इक्वल टू, पिच इज इक्वल टू, पिच कितना कह रहे हैं वो जो डिस्टेंस हो वो अपान रोटेशन, तो 0.25 cm में है, अपान रोटेशन 5 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये देखिए 5×25 और 25 का मतलब 0.05 cm, ये कैसे आ गया बताएं, ये कैसे आ गया बताएं, अरे यहाँ पे लिखिए 25, यहाँ लिखिए 5, यहाँ लिख दीजिए गुड़े 100, जब ना कुछ मांगना तो ये देखिए 5 गया और यह जाएगा 100, 100 का मतलब 1, 2 अंक दशमलव पहले से फिर जाता है। ठीक है, वो बेसिक मैथ में सब पता चुका, पिच आ गई, और जब पिच आ गई तो इसका मतलब ये इसको रीड करेगा, यानी ये किसी चीज को अगर इतनी इतनी मोटाई को रीड करेगा, और यहाँ कह रहे हैं देखिए देयर आर 100, ठीक है सब बातें आ गई, लिस्ट काउंट भी पढ़ ले, यही लिस्ट काउंट, ये जो आया पिच, ये सेंटीमीटर अपन 100, अपन कितना 100 कर दें, ठीक कितना हो जाएगा अब, यानी 0 और यहां लिख दीजिए 5, आप आगे कितना, अच्छा ये पहले छोड़ दीजिए, ठीक 0 पहले लगा दीजिए, अब आ जाइए 1, 2 और कर लीजिए 1, 2, यानी कुल मिला के कितने अंक बाद दशमलव पहले हो जाएगा, 4 अंक बाद। ठीक, ये सही पढ़ रहे हैं हम, 2 तो पहले से था, 2 ये इतना सेंटीमीटर, ये लिस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सब पहले से है, इसमें 1000 हो जाएगा, 1000 का मतलब 4 अंक, 1, 2, 3, 4,
ठीक है, इतना लिस्ट काउंट हो जाएगा। अब आ जाइए मेन स्केल रीडिंग जरा देख लेते हैं। कह रहा है मेन स्केल जो रीडिंग है वो डिवीजन में पड़ रहा है, चार मेन स्केल डिवीजन पड़ रहा, और एक स्केल डिवीजन कितने के बराबर है, देखिए यहाँ पे एक स्केल डिवीजन, यही तो है पिच। यानी पिच का मतलब देखिए, पिच स्केल टू लिखिए वन मेन स्केल या लीनियर स्केल डिवीजन, और यह है कितने के बराबर, यह है 0.05 सेंटीमीटर के बराबर है, ये इतने के बराबर है। तो ये चार मेन स्केल डिवीजन पढ़ रहा है, तो हम इसको सेंटीमीटर पढ़वाएं, हम पढ़वाएंगे घटवाएंगे अपने हाथ में ना, किसको क्या पढ़वाएं, है ना। चलिए 4 इंटू कितना 0.05 और भी सेंटीमीटर, अब ठीक ठाक पढ़ना जान लिया, कितना हो जाएगा 4×5=20, अब 20 लिख के कितना 1, 2, 1, 2 ये इतना सेंटीमीटर, ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई। कोई दिक्कत है क्या भाई, 4×5=20 लिखा, अब 20 लिख के 1, 2 डेसिमल पहले दो डिजिट पहले डेसिमल शिफ्ट कर लिया, इधर से लिखेंगे तो कहेंगे पहले आ गया, उधर जाएगा तो कहेंगे बाद वाला जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हमें चाहिए ऑब्जर्व रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग क्योंकि जीरो एरर नहीं रही थी, यही वाली सही रीडिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई, खूब बढ़िया खूबसूरत आई है, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 30 है, और 30 में क्या जोड़ दें, किसका मल्टीप्लाई कर दें, 0.005 सेंटीमीटर हवा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आप कर लेंगे 0.20 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, कितना देखिए यहाँ पे बड़े ध्यान से करिए, ठीक, ये जीरो हटाएंगे तो एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब बचा इतना सिर्फ 5×10=15, ठीक, अब 15 के बाद 1×2 कितना हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आगे इसमें कितना आ जाएगा, यहीं पर 0.35 सेंटीमीटर, यह ऑब्जर्व रीडिंग आ रही है, तो बड़ा गड़बड़ा रही, आंसर में कुछ हमने छोड़ दिया क्या, चार में एक 0.20 आया था, 0.20 आया था, कुछ छोड़ दिया लग रहा है। अच्छा ये गुड़ा, अच्छा 30 का, अच्छा 30 का इसमें मल्टीप्लाई करके, अच्छा ये बतिया है, इतना जल्दी काहे थी भाई, ये चलिए आंसर देखिए हो जाता है ना, आंसर वन में हाई फिर से करने कह रहे हैं भाई, है जीरोगुआ लगा के, पहले एक जीरोगुआ लगा के तब भाई 3×5=15 है जीरोगुआ 3×5=15, अब ये हो जाएगा, ठीक, और यहाँ डेसिमल लगा था, ठीक, बात समझ आ रही, अब ये सही है, मतलब भाई पहले 5 में तो इसका जिससे ये जीरो है ना, इसका इसका जीरो इसमें मल्टीप्लाई कर लिया हमने, अब ये 5×10=15 पढ़ा हमने, अब 1, 2, 3 आ तो रहा वही भाई, भाई आ तो रहा वही आंसर मिलाइए जरा। अच्छा चार अंक था भैया, कहाँ हैं आप, कुछ चार दिया हुआ है, वही लिए तो ये देखिए ध्यान से लिखना पड़ता है, ठीक ना, ध्यान से लिखना पड़ता है, कोई जब वो वाली बात नहीं है, ठीक, ये यहां से ध्यान से लिखिए, ठीक, कहीं सर जी आप फंसना है ना, तो भाई ये आदमी सीखेगा कैसे, हर बार जब गलत नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, हम सीख लिए आप भी सीख जाइएगा, आपके साथ भी इसमें होता है, कोई बड़ी बात थोड़ा है यार कि टेंशन में आ गए, और हम एकदम नहीं आते, बहुत बार बहुत जैसे पढ़ते हैं ना, बहुत चीज गलत सलत हो जाती, फिर उसको सुधारते हैं, फिर एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, तब लगता है हाँ अब ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब ये देखिए हो जाएगा, अब आ जाइए 1, 2, 3, 4 और ये 4, यही लिए सर्वत नहीं सटीक बैठ रहा था, अब आ जाएगा ये, अब कितना आ जाएगा 2, 1, 5 ये आया है बाहर एकदम, यही तो बहुत खूबसूरत है, 2, 1, 5, 0 सेंटीमीटर, यही आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे जो बड़े अच्छे, ठीक है, और बड़े बढ़िया, ठीक, तो ये स्क्रू गेज का काम खत्म हो गया पूरी तरीके से। आप इन सवालों को एक बार अब नोट्स करके फिर उसका ढंग से उसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, सारे आंसर मिला लीजिएगा, जो आंसर अगर ऐसा लगे आपको कि कहीं कुछ छूट छाट गया तो उसको मिला के सही कर लीजिएगा, ठीक, जोड़ा घटाना है कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक ना, तो ये चीजें हो गई। और अब इसके बाद कोई अगर, चलिए अब आगे पढ़ते समय के जब हम पेपर जब होगा ना कि जैसे अब पेपर कराने वाली बारी आएगी, जब मॉडल पेपर कि पूरा मतलब एक साल का उठा के जैसे 2022 का, फिर 2020 का, फिर 2019 का, जब पूरा पढ़ा लेंगे तो उस समय भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को मिल जाएंगे, तो उस समय मतलब क्वेश्चनों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, वो चलता ही रहेगा, ठीक, जहां नए क्वेश्चन आ गए तो हम किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन ये भी आया था, ठीक है,
तो इस तरीके के ये सवाल कंप्लीट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि एनसीईआरटी का पेज नंबर तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगला टॉपिक है एनसीईआरटी में, हेडिंग है सिग्निफिकेंट फिगर, और उसका अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं फिगर्स को, है ना, किसी साइंटिफिक नोटेशन में निकालते हैं, कैसे गुणा भाग करते हैं, क्योंकि उस तरीके का सवाल भी सिग्निफिकेंट के बेसिस पर, मतलब बताओ ना, राउंड ऑफ वैल्यू निकाल के एक दो सवाल आ जाते हैं कभी कभार जो है नीट में आते हैं ऐसे सवाल। ठीक, तो हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तब आएगी बात डायमेंशन की। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।